बिल्कुल बेबी गर्ल बन गई हूँ। ये देखिए हेयर स्टाइल भी बेबी वाली और बैग भी बेबी। हेलो, गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर 2022। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ मस्त और बिंदास होंगे और इस नए साल में ना अपनी बहुत सारी कमियों को भूलेंगे और अच्छाइयों को लाएंगे, क्योंकि 2021 में हमने जो गलतियां करी है उससे हम बहुत कुछ सीखें मैं ये चाहती हूँ। हम जब तक सीखेंगे नहीं ना, तब तक हम खुद को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे और खुद में हम कमियां ढूंढेंगे नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा ना हम में क्या कमी है। तो प्लीज़ अपनी अपनी कमियों को ढूंढिए और इस वर्ष एकदम से खुद को चेंज कर दीजिए, जिससे आपको प्रभु की शरण मिल जाए। और फिर ये मैंने बैग ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, उसी के लिए वो आ गया है, उसका मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बेबी बैग है, मतलब आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है, थोड़ा बहुत सामान आराम से आ जाएगा। मन तो नहीं था मेरा, लेकिन काफ़ी दिन से बेटी मेरी बोल रही थी मम्मा मंगा दो, क्योंकि इसकी फ्रेंड के पास था। बच्चों का होता है ना, वैसे कहते हैं कि ये सब फिजूल के खर्चे हैं, लेकिन बच्चों के मन की कुछ चीज़ें दे देनी चाहिए, क्योंकि ये बेकार चीज़ें नहीं हैं, काम ही आ जाएंगी। हमें उनकी वो चीज़ें वो बातें नहीं माननी चाहिए जो उनके लिए हानिकारक हो, लेकिन जो उनके लिए अच्छा हो उसे मानने में कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स, ये देखिए ये बैग है, कैसा लगा आप लोग को बताना, ठीक है? चलिए मिलती हूँ कुछ देर बाद आप लोगों से बात करते हुए मैं। तो अब देखिए टाइम मिला है, सीधे शाम को 8 बज गए हैं, मतलब पूजा पाठ शाम की जो आरती होती है, खाना बस नहीं बना, बस शाम वाला नाश्ता हो गया है, वही ब्रेड, अरे टोस्ट और चाय। तो ये सब होने के बाद मैंने अपना थोड़ा सा मेकअप लुक क्रिएट किया है। ये देखिए खुशी की जो क्लिप थी उसे मैंने लगा लिया है, बेबी क्लिप्स, और स्टाइल थोड़ा सा अपना मैंने ऐसे बनाया है। मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग बताना। और ये जैकेट भी मैंने पहन ली है, जो कि मेरी नहीं है, ये जैकेट मेरी नहीं है, हस्बैंड की है, लेकिन आज सारे कपड़े धुले थे मैंने, मैंने सोचा ऐसे ही पहन लूँ, कम से कम ठंडी तो कवर करेगी। और अब मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी आप लोगों से बातें कर, कुछ लोगों के कमेंट का रिप्लाई भी करूँगी, और यूट्यूब के बारे में जो मैंने कहा है कि मतलब यूट्यूब ने खुश कर दिया, तो सच में खुश कर दिया। क्यों? इतना मुझे लगता है ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है और सारे यूट्यूबर्स के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है। होता है ना, जब हम लोग वीडियो बनाते हैं इतनी मेहनत से और इतना हार्डवर्क करते हैं कि ये वाली वीडियो तुम्हारी अच्छी जाएगी, और पता लगा कि उसमें 50 लाइक है और 40 डिसलाइक, होता है ना 50 लाइक 40 डिसलाइक, तब हम डिमोटिवेट होते हैं, भगवान कहाँ कमी रह गई, मैंने तो बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी, मैंने तो कोशिश बड़ी अच्छी करी थी, बड़ा मेहनत किया था, ब्लॉग बढ़िया बनाया था, रेसिपी बढ़िया बनाया था, जो भी जिस कैटेगरी के चैनल होते हैं टेक्निकल वाले या कॉमेडी वाले कोई भी, तो हम अंदर से कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि हमने तो आज 100% दिया है, तो आज तो डिसलाइक आएगी नहीं। लेकिन नहीं, डिसलाइक वालों का क्या है, वो तो ठोक कर ही जाते हैं, तो हम सब परेशान हो जाते हैं कि यार इतनी डिसलाइक आखिर आ कैसे गई, मैंने तो इतनी अच्छी वीडियो बनाई थी। तो यूट्यूब ने इतनी कृपा कर दी है हम सब यूट्यूबर्स के ऊपर कि कोई डिसलाइक करता भी है तो वो दिखता नहीं है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि डिसलाइक मुझे दिखता नहीं मेरे वीडियोज में, तो मैं हमेशा पॉजिटिविटी से भरी रहती हूँ और मोटिवेट रहती हूँ कि चलो अब डिसलाइक नहीं आती। जब मैं अपने YT स्टूडियो में जाती हूँ तब मुझे दिखता है अच्छा इतने डिसलाइक है, या चैनल्स पर जाती हूँ ना तो एक भी डिसलाइक नहीं दिखती, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ऑल यूट्यूबर्स को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग लाख अगर उनके लाइक होती थी तो 1-2 हज़ार डिसलाइक होती थी, 50 हज़ार अगर लाइक है तो 20 हज़ार डिसलाइक होती थी, ऐसा कुछ हाल होता था। तो आप सब इस चीज़ से खुश होंगे क्योंकि ये अपडेट हो गया है, काफ़ी दिन हो गए, कम से कम 15-20 दिन हो गए इस अपडेट को आए हुए हम सबके चैनल्स पे। लेकिन आज मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज मैंने इसे नोटिस किया है कि यार कितना मज़ा आता है, लाइक सारी दिख रही है, डिसलाइक का कोई पता नहीं। थैंक यू यूट्यूब। और हाँ फ्रेंड्स, अब मैं ले लेती हूँ आप सबके कमेंट का जवाब जो आप वेट करते हो, ठीक है? चलिए फिर देखती हूँ कौन सा कमेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंस है और कौन सा मेरे दिल को छू गया है। जो भी लोग बहुत ही प्यारा कमेंट करते हैं सबसे पहले मैं उनका जवाब देती हूँ, तो प्लीज़ आप सब बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे करिएगा, ठीक है? मैं देख लेती हूँ फिर बताती हूँ आपको।
आज फिर मोबाइल से ही रिप्लाई करूंगी, इससे पढ़ के बताने में आसान होता है थोड़ा सा। सबसे पहले कंचन मिश्रा आपके कमेंट का मैं रिप्लाई कर देती हूँ। तो कंचन मिश्रा हैं, कहती हैं आपका मैं सारा वीडियो देखती हूँ, मैं कंचन मिश्रा मुंबई में रहती हूँ, टाइम नहीं मिलता तो रात को देखती हूँ, मेरा लड़का भी यूट्यूबर है, उनके चैनल का नाम यूनिवर्स एडवेंचर है, उनका 67 लाख सब्सक्राइबर है। आप मेरे कमेंट का जवाब देना अपने वीडियो में, मेरा नाम लेना। तो थैंक यू सो मच कंचन मिश्रा, और आपके बेटे इतने बड़े यूट्यूबर हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप मेरा वीडियो देखते हो, थैंक यू कंचन दी या कंचन सीस, जो भी आप मुझसे बड़ी हैं छोटी हैं मैं नहीं जानती, बट थैंक यू सीस। तो दूसरा कमेंट है गुजरात से ज्योति सीस का, वो पूछ रही थी डियर सीस आप अपने सर पे पल्लू क्यों लेते हो, क्या आपके ससुर जी या कोई बड़े बुजुर्ग आपके घर में रहते हैं? तो सिस्टर मेरे घर में मेरे ससुर जी नहीं रहते, वो मेरे पास में ही रहते हैं, मतलब घर के जस्ट बगल में। तो सर में पल्लू लेना कोई ज़रूरी नहीं है, वैसे मैं ऐसे घर से नहीं हूँ जहाँ बिल्कुल दबाया जाता हो कि आप सर पे पल्लू ले ही लो, मतलब हम सब खुले दिमाग के हैं, पल्लू लेना उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इतना सर में मैं पल्लू रखती हूँ बस, इससे ज़्यादा मैं अपना फेस नहीं ढकती हूँ। कभी मेरी आदत, कभी मन होता है ना तो पल्लू डाल लेती हूँ, क्योंकि साड़ी पहनती ना तो अच्छा लगता है, कभी कभी फेस पे पल्लू भी, इसलिए। और कोई ज़रूरी नहीं है कि पल्लू मैं किसी के लिए डालती हूँ कि वो ना देखे, ठीक है सीस। और तीसरा कमेंट है ईस्ट पांडे जी, वो बोलती हैं आई एम योर बिग फैन सिस्टर, थैंक यू सो मच सिस्टर, आप मेरी फ़ैन हो, मैं आपको दिल से थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि हम सब यही सपना देखते हैं ना कि हमारा भी कोई फ़ैन हो, हमारा भी कोई फॉलोअर्स हो, हमें भी कोई पसंद करता हो, सो थैंक यू पांडे जी आपको भी। और खुशबू वर्मा ब्लॉग है, ये बहुत प्यारी सिस्टर है मेरी, इनका चैनल है, इनके चैनल का नाम है खुशबू वर्मा ब्लॉग, ये बहुत ही अच्छा कमेंट करती हैं, बहुत ही थोड़ा सा स्ट्रगल लाइफ में है, तो प्लीज़ आप सब इनको भी देखिएगा। सचिन शुक्ला दी आप बहुत अच्छी हो, आप बहुत स्यूट बोलती हो, थैंक यू सो मच सचिन जी, या सिस्टर हैं आपकी क्या है, लेकिन आईडी का नाम आपके है सचिन शुक्ला, सो थैंक्स। और एक कमेंट है रेनू, आपका कमेंट हमेशा मैं हर वीडियो में लेती हूँ, क्योंकि आपका कमेंट बहुत अच्छा होता है। और यसी थैंक यू, तुम्हें भूली जा रही थी, यसी थैंक यू सो मच, लव यू डियर, तुम बहुत ही प्यारी हो, क्योंकि बहुत छोटी हो, इतना प्यारा कमेंट करती हो ना, सो थैंक्स। इन लोगों के कमेंट का मैंने रिप्लाई कर दिया है, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, और जिन लोगों के कमेंट का रिप्लाई मैंने नहीं किया है उनको भी थैंक यू दिल से। तो आप सब ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा, सबका नाम इसलिए मैं लेती हूँ अपने चैनल पर कि आप सब समझो कि हाँ मैं दिल से आप सबसे जुड़ी हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ वीडियो डाल देती हूँ और चाहती हूँ कि पब्लिक मुझे देखे, मैं पब्लिक से ना जुड़ूँ, तो मैं सारी पब्लिक के साथ अपने घर के लोगों जैसे जुड़ी हूँ, जैसे मेरी बहन भाभी रिश्ते में लगती, वैसे आप सब भी लगते हो, जो जेंट्स हैं वो मेरे भाई लगते हैं, जो लेडीज़ हैं भाभी बहन माँ, जैसे जिस एज की जो लोग हैं सब मेरे अपने लगते हैं, इसलिए मैं आप सबसे जुड़ी हूँ, और आप सबके कमेंट का रिप्लाई भी इसीलिए देती हूँ। और जो लोग चाहते हैं कि मैं उनके कमेंट का रिप्लाई डेली दूँ, तो आपका कमेंट थोड़ा सा यूनिक रहेगा ना, तो मैं ज़रूर दूंगी, तो ऐसे ही मेरे चैनल पे आप सब बने रहिएगा। अब बनाऊंगी खाना, आज बनाऊंगी आलू सेम की सब्ज़ी, और चना साग जो लाई थी ना मैं अपने गांव से ससुराल से, वो मैं बना के खा भी चुकी, रिकॉर्ड करना ही भूल गई हूँ, जब मैं खा रही थी तब मुझे याद आया अरे मैंने इसको तो शेयर ही नहीं किया, बट बहुत सारी रेसिपी ये चना के साग वाली सब्ज़ी मैंने कई बार दिखाई है बना के, तो इसलिए ज़रूरी भी नहीं था, लेकिन आज सेम की सब्ज़ी बनाऊँगी तो कल वाली वीडियो में डालूंगी, क्योंकि ये वीडियो कहीं लंबी ना हो जाए, अगर लंबी नहीं होगी तो इसी में डाल दूँगी। तो ये बनने जा रही आलू सेम की सब्ज़ी, आप लोगों ने देखा होगा ना वहाँ मैंने कितनी मेहनत से तोड़ा था ठंड के मौसम में, तो आज इसकी सब्ज़ी बनेगी, मेरी तो फेवरेट है, बहुत ज़्यादा सूखी मुझे नहीं पसंद है, थोड़ा लुटपुट बनाऊँगी मैं, और घर के लोग ना एकदम सूखी खाते हैं, देखती हूँ कौन कितना खाता है, क्योंकि सूखी नहीं बनाती तो नहीं खाते हैं। इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी पहले, और फिर थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, वैसे कुछ लोग पानी नहीं डालते हैं, मुलायम है एकदम से सेम, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसे मैं चला दूँगी अच्छे से,
और हाँ, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो में लाइक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ठीक है फ्रेंड्स। यही मसाला मैं डालती हूँ, राजेश मसाला, इसका फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसी की सब्जी और रोटी, सिंपल सा डिनर रहेगा आज हम लोगों का। मैं मिलूँगी आप लोगों से कोई अच्छी सी नई वीडियो के साथ। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।